Hi students, welcome to my library and many congratulations for qualifying GATE. And कल ही result आया, so let's talk about कि इस GATE को या GATE score को how can you utilize for your further like educational degrees or qualifications. तो पहला तो I will इस video को आप refer कर सकते हो if you have done BTech in biotechnology, if you have done masters in life sciences, masters in biotechnology. ठीक है, देन इट कैन बी रिफर्ड लाइक आपके लिए ये यूजफुल होगा, अदरवाइज आई थिंक इररिलेवेंट हो जाएगा बिकॉज आई एम बेसिकली डीलिंग विद द डिसिप्लिन्स लाइक लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी. तो अगर बात करें गेट की तो देखो गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग था, मतलब बेसिकली इसमें कहीं पर साइंस दिखता है, हमें नहीं दिखता था. तो साइंस वाले स्टूडेंट के लिए हम इसे यूटिलाइज करते हैं एट द लेवल ऑफ पीएचडी, मतलब अपने मास्टर्स के बाद. बट हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने बीटेक किया है दे कैन यू नो यूटिलाइज दिस स्कोर फॉर देयर एमटेक एज वेल. वैसे इट्स नॉट एडवाइजेबल, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि आपने अगर बीटेक किया है तो आप एमटेक करने के बजाय यू कैन गो डायरेक्टली फॉर पीएचडी. क्योंकि मेरे सीनियर्स में भी आई हैड द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग सम पीपल जिन्होंने एमटेक भी किया था एंड देन दे रियलाइज कि इसकी जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज बीटेक की जो 4 years की डिग्री होती है दैट इज कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू योर मास्टर्स इन, जब हम बीएससी एमएससी करते हैं तो उस फॉर्मल डिग्री का मास्टर्स और बीटेक की जो टेक्निकल डिग्री होता है दैट इज इक्विवेलेंट. तो आप डायरेक्ट बीटेक बायोटेक के बाद भी यूटिलाइजिंग योर गेट्स को यू कैन गो फॉर पीएचडी. ठीक है, तो अब सिर्फ इस बात पे बात आती है कि जो आपके स्कोर्स आए हैं या जो आपकी रैंक्स आई हैं उनको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो. पहला, सबसे पहले बता दूं कि कौन कौन सी जगह आप इन गेट स्कोर्स को यूटिलाइज कर सकते हो. स्टार्टिंग विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, देन आपके पास IITs हैं, बीट ओल्ड IITs और न्यू IITs, आप इनको आप गेट स्कोर यूटिलाइज कर सकते हो. देन यू हैव ICERS, देन यू हैव NICERS, देन यू हैव NIPERS, देन यू हैव NITs. ठीक है, जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डील करने वाले आपके इंस्टीट्यूट है आप उन्हें यूटिलाइज आप इट्स गेट स्कोर को वहां यूटिलाइज कर सकते हो. तो वट एवर आई सेड एक बार रिपीट कर देते हैं, ISC हो गया, IITs हो गया, ICERS हो गए, NICERS हो गए, NIPER हो गए, NITs हो गए, IIITs हो गए इनफैक्ट. तो आप इतनी जगह यूटिलाइज कर सकते हो अपने इस गेट स्कोर को. ठीक है, अब बात करते हैं कि जो गेट की स्कोर्स लाइक टॉप स्कोर्स होते हैं एज टू अगर हम 1000 से कैलकुलेट करने लगे कि जो बच्चा AIR 1 लेके आया है या जो भी स्टूडेंट AIR 1 लेके आए हैं उनका 1000 स्कोर होगा. ठीक है, तो उसके ही रिलेटिवली आपके पास सारे स्कोर्स आएंगे. तो आप उन स्कोर्स को डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया जो कि टॉप मोस्ट या टॉप नॉच्ड इंस्टीट्यूट है, बात करें IITs या फिर IISc या फिर ICERS, ये सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं आपके लिए गेट स्कोर निकालते हैं कि दिस इज योर कट ऑफ, है ना. तो गेट स्कोर का कट ऑफ आपको IISc IITs में बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा. इफ यू आर ट्राइंग और प्लानिंग कि आप ओल्ड IITs से करो लाइक IIT कानपुर हो गया जो पहले बने थे, IIT रुड़की हो गया, IIT खड़गपुर हो गया, IIT गुवाहाटी हो गया, IIT मद्रास हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, टोटल 7 IITs पुराने IITs हैं. इफ़ यू आर प्लानिंग कि आप वहाँ अप्लाई करो तो उनका कट ऑफ आएगा गेट स्कोर का. एंड बच्चों ये बहुत ही डायरेक्ट लाइक लॉजिक की बात है ना कि वो IITs आर योर टॉप नोट्स और जो पुराने IITs हैं तो ऑब्वियसली बात है उनका गेट स्कोर हाई ही जाएगा. तो वो गेट स्कोर रहता है कुछ 800 अबव ही या 850 अबव ही रहता है गेट स्कोर. आप इधर कॉर्नर में आपको गेट स्कोर दिखेगा, आपको इधर अपने मार्क्स दिखते हैं लाइक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में यहाँ पे आपका स्कोर दिखता है और ऊपर लिखा होता है ऑल इंडिया रैंक इन दिस एग्जाम. ठीक है, तो वो आपका गेट स्कोर वहाँ पे प्रेजेंट है. उससे आपको रेफर करना है कि अगर आपका गेट स्कोर फॉल करता है उस कैटेगरी में जो उस IIT ने एज अ कट ऑफ डिक्लेयर किया है उस सेशन के PhD एडमिशन के लिए, तो आप उस फॉर्म को फिल करेंगे. मतलब ऑब्वियस ही बात है यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं, कट ऑफ के बीच में आपका मार्क्स या फिर आपका स्कोर फॉल कर रहा है. तो वैसे तो मार्क्स कहीं नहीं भरवाए जाते गेट के, बट सी आपके मार्क्स से ही तो आपका स्कोर कैलकुलेट किया गया है, राइट. तो वो स्कोर आपको फिल करना होता है हर जगह. ठीक है, तो अब अगर टॉप रैंकर्स की बात करें उनके पास कुछ एडिशनल चांसेस भी हैं इस एग्जाम के थ्रू, जैसे 1 to 40 में मान के चलती हूँ या 1 to 35 में मान के चलती हूँ, तो इन बिटवीन ये स्टूडेंट्स को कॉल आएगी अगर उन्होंने BARC का OCES एग्जाम भरा है तो. यानी कि BARC बायोसाइंसेज अगर आपने अप्लाई किया है एंड योर रैंक इज फॉलिंग विद इन 1 to 35 लेट्स से,
देन यू विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू. आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल हो गए, अदरवाइज आप ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू जा रहे हो, जिसकी हम लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, विच विल बी हेल्ड इन योर अप्रैल मंथ. ठीक है, तो जो इनिशियल टॉप रैंकर्स हैं उनको एक एडिशनल बेनिफिट यहाँ से है कि उनको BARC से कॉल आएगी. टॉकिंग अबाउट लाइफ साइंसेज, तो हम लोगों के लिए वैसे गेट स्कोर इस थॉट की PSUs में डायरेक्टली जॉब के लिए होता है, अगर आप इंजीनियर्स से पूछोगे. ठीक है, या फिर आप मास्टर्स इन फिजिक्स से पूछोगे, मास्टर्स इन केमिस्ट्री से पूछोगे, तो दिल से कि वो गेट दे रहे हैं ताकि वो PSUs में जॉब कर सकें. बट हम गेट देते हैं, हमारे पास PSUs का ऑप्शन नहीं है, तो वी गो डायरेक्टली फॉर आर PhDs, या फिर आपके पास BARC जैसा इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको कॉल करता है. एंड देन आफ्टर इफ यू क्लियर द इंटरव्यू, तो आपको डायरेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट मिलती है. ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो गया, तो हम सिर्फ PhD कर सकते हैं उससे. तो अब अगर बात कर ले रैंक 1-2, हो सकता है 200-300, आई कांट से कितना गेट स्कोर कट ऑफ जाएगा. आप IISc में अप्लाई कर सकते हो, आप उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हो. देखो, अगर आप रैंक 1-10 हो तो आपको ऐसे भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जितने सारे IITs में या IISc में आप अप्लाई करोगे, डेफिनेटली यू विल बी गेट कॉल्ड, है ना. वो इनिशियल आप रैंकर्स में आते हो, सिंगल डिजिट रैंकर्स आर ऑलवेज बेनिफिटेड, तो आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है. आप चाहे यहाँ से हो चाहे BARC से हो, आपको कॉल आएगा. बट हाँ, अगर आपने BARC का फॉर्म भरा है तो. अदरवाइज अब बात करते हैं, इन बच्चों को तो पता ही होगा क्या करना है. ठीक है, अब बात करते हैं कि थोड़ी कम रैंक्स हैं जिन स्टूडेंट्स की, या फिर थोड़ी कम गेट स्कोर है जिन स्टूडेंट की, वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं. तो टॉकिंग अबाउट आईसर, टॉकिंग अबाउट योर नाइसर्स, नाइपर, अगर इनके बारे में सोचते हैं तो आईसर्स बहुत हद तक लाइक बायोलॉजिकल साइंसेज में अब दे आर नॉट प्रिफरिंग. बट अगर आपके गेट स्कोर से आपको कॉल आती है तो इट्स गुड, है ना. बट आप अप्लाई ज़रूर करोगे, आप अप्लाई करोगे आईसर्स में. एंड इट हैज़ हैपेंड इन पास्ट कि बच्चे मोस्टली वाया गेट ही आए. देखो, गेट की जो फेलोशिप होती है वो देता है MHRD, एंड MHRD के आपके जितने भी IITs हो गए, आईसर्स हो गए, ये MHRD के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो MHRD की फेलोशिप वहाँ पे वैलिड है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बल्क में ऐसी जगह आते हैं PhD करने के लिए, मोस्टली लाइफ साइंसेज डिसिप्लिन में नहीं कहूँगी, बट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं हु कुड नॉट क्लियर देयर CSIR, बट वो गेट के थ्रू एंटर कर जाते हैं PhD वाले पूरे प्रोसेस में. फेलोशिप उतना ही है, फेलोशिप का अमाउंट सिमिलर है. तो वॉट हैपन्स इस केस में इंस्टीट्यूट फंड कर रहा है, राइट. इंस्टीट्यूट MHRD का है, MHRD फंड कर रही है. तो व्हाट हैपेंस, बहुत बार इंस्टीट्यूट पे प्रेशर बढ़ जाता है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाती है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स गेट लेके आए हैं. तो उस केस में सफ़र करना पड़ता है बायोलॉजिकल साइंसेज वालों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि केमिस्ट्री में जैसे मैंने बोला PSUs के लिए वो मेहनत करते ही हैं, तो वो थोड़ा टॉप रैंकर्स में आ जाते हैं, तो थोड़ी अच्छी रैंक होगी. और बायोलॉजिकल साइंसेज वाला बच्चा मोस्टली फोकस करता है किस पे, CSIR वाले एग्जाम पे. तो बहुत हद तक वो गेट में इतना अच्छा स्कोर तो नहीं कर पाते, बट आप वहाँ तक जा सकते हो. एंड देन जब आपने वहाँ ज्वाइन कर लिया, तो बहुत बार ऐसे होता है तो कि आपको बोला जाता है कि अब आप CSIR गो एंड क्वालिफाई CSIR, क्योंकि इंस्टीट्यूट पे बर्डन हो रहा है. ठीक है, तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है. इसकी वजह से आईसर्स ने एक टाइम पे गेट वाले बच्चों को लेना ऐसे मना कर दिया था. एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स वेरीज फ्रॉम गाइड टू गाइड. अगर कोई PI चाह रहे हैं कि उनके अंडर गेट की सीट है, तो वो आपको एडमिशन देंगे. तो प्लीज आपको आईसर्स, NITs, IIITs सारी जगह चेक करना है. देखो, दो डिफरेंट एस्पेक्ट हो गए. एक होता है कि सिर्फ नाम के लिए IIT से PhD करना, नाम के लिए इंस्टीट्यूट से PhD करना. दूसरा, आपका पैशन कोइंसाइड कर रहा है, आपकी लाइक वर्कलोड लेने की कैपेबिलिटी कोइंसाइड कर रही है उस चीज़ से या नहीं. अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ नाम के लिए जाना है, तो आपको लाइक हो सकता है आपके लिए वो बहुत ही मुश्किल हो जाए बात, है ना. तो आपको उस केस में ये सोच के जाना है कि मुझे इस प्लेस पे गेट स्कोर यूटिलाइज करते हुए जाना है या नहीं, सिर्फ नाम के लिए नहीं. PhD बहुत डिफरेंट गेम है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी जगह जाएंगे, हम मोटिवेटेड होंगे कि यार 2 साल में 5 साल में ख़त्म हो रही है. वो ख़त्म किसी करिकुलर से नहीं होती, कोई करिकुलम नहीं होता आपके लिए, इट्स यू हु फिनिश दैट, है ना. तो अगर आप भी को ऐसा लग रहा है कि यार कोई करवा देगा, तो कोई नहीं कर पाएगा. अगर वो वाली थॉट है और सिर्फ ऐसे लगता है कि IITs के नाम पे IITs पे जाना है, तो नहीं, PhD के लिए वो चीज़ नहीं बनी है. ठीक है, तो आपको गेट स्कोर इस तरीके से यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट जगह अप्लाई करना है.